खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास महू ने देश को नया खिलाड़ी अनेरी सोनकर पहलवान दिया। वैसे तो महू को हॉकी एवं फुटबॉल के नाम से पूरे देश में पहचाना जाता है, लेकिन खेलो इंडिया खेलों में महू के होनहार पहलवान अनेरी सोनकर ने गोल्ड मेडल जीतकर महू शहर का नाम पूरे देश में रोशन किया। इसी से प्रेरित होकर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अनेरी सोनकर पहलवान का सम्मान किया गया। महू के पहलवान अनेरी सोनकर ने विगत दिनों खेलो इंडिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर महू शहर का नाम रोशन किया, जिसके तहत आज अनेरी सोनकर पहलवान का महू शहर की नामी बैंक में शहर की बेटी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अनेरी का जगह जगह स्वागत किया गया। अनेरी पहलवान ने इसके पूर्व भी कई कुश्तियों में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। इस दौरान अनेरी ने कहा कि मैं अपनी जीत का पूरा श्रेय मेरे माता पिता को देती हूं और महू शहर की अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर इंद्रमणि चौरसिया द्वारा एवं बैंक के स्टाफ सदाशिव शर्मा, देव ज्योति सरकार, चंद्रशेखर राठौर, रजनीश कुमार, सचिता मार्टिन, सुश्री श्रद्धा कुशवाहा, मोनिका गौतम, जितेंद्र, राजू, संतोष हेमराज आदि द्वारा महू की आन बान एवं शान अनारी सोनकर पहलवान का फूलमाला से स्वागत कर सम्मान किया गया और सभी शहर वासियों को अनेरी सोनकर पहलवान ने धन्यवाद एवं आभार माना। साथ ही 2024 के ओलंपिक गेम्स की तैयारी के लिए लखनऊ प्रशिक्षण केंद्र के लिए जा रही हैं। इस ओलंपिक गेम्स की तैयारी के लिए करीब 1000 प्रतिभागी भाग लेंगे जो 2024 के ओलंपिक खेल में भाग लेंगे। महू के लिए, देश के लिए और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे छोटे से गांव में अनेरी जैसी बिटिया, इसकी छोटी बहन कांजल जैसी बिटिया हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए तैयारी कर रही है। अभी इन्होंने जो खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीता है, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अभी ये जो 2024 में लखनऊ में खेलो इंडिया के जो प्रोग्राम होने वाले हैं, उसके लिए हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगी सारे देश, सारा गांव। हम सभी की शुभकामनाएं, दुआएं सब इसके साथ हैं और ये हमारे सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि भगवान परशुराम की जन्मभूमि पर ऐसे ऐसी महान विभूतियाँ पैदा हुई। बाबा अंबेडकर उनमें से एक हैं। ये लोग भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे सभी के लिए सौभाग्य। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।